नमस्कार दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कटिंग वायरिंग की जानकारी देंगे, तो हम 13 पौधों की कटिंग कैसे ग्रो करें, जो कि परमानेंट पौधे हैं, बराबर सालों साल हमारे गार्डन में चलते हैं, उनकी कटिंग हम किस तरह से ग्रो करें, इसकी हम पूरी विधिवत जानकारी देंगे और साथ में आपको अपडेट भी दिखाते जाएंगे। तो दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहला देखिए, ये हमने मनी प्लांट की कटिंग लिया है। सबसे पहला पौधा मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट का इस तरह की कटिंग आप 10-12 इंच की कटिंग ले सकते हैं, और कटिंग ये इस तरह से ना बहुत पुरानी हो और ना बहुत नई हो, मीडियम साइज़ की कटिंग लीजिए, ऐसी कटिंग लीजिए जिसमें देखिए इस तरह से जड़ निकल गई हो। दोस्तों देखिए, कटिंग लगाने के लिए इस तरह से हम कटिंग तैयार कर लेंगे और एक खुरपी लेंगे, इस तरह से होल बनाएंगे और होल बना करके इसका ये देखिए दो तीन गांठ हम मिट्टी के अंदर डाल देंगे, तो इस तरह से ये हमारी कटिंग मिट्टी में टाइट कर देंगे। ये एक कटिंग लग गई, ये हम यहाँ पे लगाएंगे ये दूसरी कटिंग। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरी कटिंग भी हमने इस तरह से यहाँ पे लगा दिया। ये तीसरी कटिंग भी लग गई। दोस्तों देखिए, 4-5 महीना पहले हमने ये कटिंग लगाया था, आप देख सकते हैं अच्छे से ये कटिंग पकड़ ली है। ये भी कटिंग देखिए, 2-3 कटिंग यहाँ लगाए थे, ये सब भी कटिंग एकदम बढ़िया से जड़ पकड़ ली है। आपको हम इसका जड़ भी खोद के दिखा देते हैं। दोस्तों ये देखिए आप, कितना अच्छा से जड़ निकल गया है, इसे हम पुनः वापस यहीं पे लगा लेंगे। ये देखिए मेरा मनी प्लांट का मदर प्लांट है। तो अगली कटिंग देखिए, हम लगाएंगे हड्डजोर का पौधा है, हड्डी जोड़, अस्थि संहारक काल के नाम से भी जानते हैं, यह फ्रैक्चर को जोड़ देता है। इसके अलावा यह पौधा हड्डी में अगर पेन है तो इसका लेप लगाने से, इसका तेल लगाने से यह ठीक होता है। इसकी कटिंग दोस्तों बहुत आराम से पकड़ लेती है, इस तरह से देखिए, एक छोटी सी कटिंग काट के लेंगे, ये कटिंग हमने ले लिया, ये नीचे का पत्ता काट देंगे, इस तरह से नीचे का पत्ता काट दिए। और ये देखिए मेरा जो हरजोड़ का मदर प्लांट है, इसमें हम इस तरह से, ये इसकी एक गांठ अंदर जानी चाहिए मिट्टी में, ये हमने कटिंग लगा दिया। ये दोस्तों देखिए, हमने कई कटिंग यहाँ पर लगाया है और इस मेन पौधे को भी कटिंग से ही उगाया है। हम आपको इसका जड़ दिखा दें, ये देखिए हमने 2-3 महीना पहले पौधा लगाया था, ये देखिए कितना बढ़िया इसमें जड़ बन चुकी है। तो इस तरह से आप हरजोर को बड़े आराम से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इस पौधे को मैं वापस यहीं लगा देता हूँ। देखिए मनी प्लांट का पौधा भी हमने कटिंग से ही ग्रो किया है, ये 2 साल पहले कटिंग लगाए थे, हम तीसरी कटिंग लगाएंगे। ये देखिए सांग ऑफ इंडिया, ये सांग ऑफ इंडिया की कटिंग लगाने के लिए इसका कोई देखिए एक ही तरह से ऊपर से टिप काट के ले लेते हैं। ये देखिए हमने टिप काट लिया, टिप काटने के बाद ये देखिए नीचे की पत्तियों को साफ कर देंगे, इस तरह से नीचे की पत्तियों को साफ कर देंगे, 3-4 पत्तियां रहने देंगे, और इसको हम ये देखिए इसी सांग ऑफ इंडिया के गमले में ही इस तरह से लगा देंगे। दोस्तों बहुत सारी कटिंग लगानी रहती है, इसलिए अलग अलग गमले नहीं फंसाते हैं। ये देखिए, ये 2 कटिंग हमने पहले से लगाया था, ये लगभग पकड़ ली है, लेकिन इसको अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दोस्तों देखिए, ये बहुत सुंदर पौधा सांग ऑफ इंडिया होता है, और इसको आप घर में, गार्डन में, जहाँ कहीं लगाते हैं, ये लुक सुंदरता एकदम से बढ़ा देता है। दोस्तों अगली कटिंग हम क्रोटोन का लगाएंगे। देखिए सामने आपके मेरा क्रोटोन का पौधा है, और इसकी कटिंग हम देखिए यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये एक कटिंग ये लगाए हैं, इसमें जड़ बन चुकी है, और दूसरी कटिंग देखिए यहाँ पे लगाए हैं, तो ये धीरे धीरे पत्तियाँ निकल रही हैं, शुरू हो गई है। देखिए ये दूसरा पौधा भी क्रोटोन का पौधा है, इसकी भी कटिंग को लगाने के लिए बहुत आसान है, और इसका कोई भी टिप्स, ये देखिए इस तरह से 4-5 इंच की टिप्स को काट करके ले लेते हैं, नीचे की पत्तियाँ इस तरह से हटा देंगे, और हम अपने गमले में इसको 2-3 इंच की गहराई में इस तरह से लगा देते हैं। दोस्तों इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है, और यह बड़े आराम से जड़ बन जाता है, जहाँ रूटिंग हार्मोन्स लगाने की ज़रूरत होगी वहाँ हम आपको बता देंगे। ये लगाएंगे, ये इस पौधे का नाम है बोट लिली, इस तरह से इसकी एक कटिंग तोड़ के ले लेंगे, इसके पत्ते को ये साफ कर देंगे नीचे से, रूटिंग हार्मोन्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ऊपर में एक दो पत्तियां छोड़ देंगे और इसे हम अपने गमले में लगाएंगे। कटिंग जो है साल के पूरे 10 महीने तक लग जाती है। आपको कटिंग लगाने के लिए केवल साल में दिसंबर और जनवरी 2 महीना अवॉइड करना है, बाकी आप कटिंग पूरे साल लगा सकते हैं, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक लगाते हैं तो ये सबसे बढ़िया समय है, और कटिंग लगाने का प्रॉपर समय फिर फरवरी मार्च। ये कटिंग का इसका अपडेट है, इसे हमने इस हैंगिंग बास्केट में लगाया है। जब ये कटिंग पूरी अच्छी तरह पकड़ लेगी तब इसे हम लटका देंगे। अभी इसको पकड़ने का इंतजार है दोस्तों। इसी गमले में देखिए एक कटिंग हम और लगा दिए दोस्तों। इसका जड़ चेक करते हैं बना है या नहीं बना है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी जड़ निकल चुकी है, जबकि ये अधिक से अधिक 10-15 दिन हुआ है इसकी हमें कटिंग लगाए, तो इसकी कटिंग बहुत ही इजी वे में लग जाती है। इस बोटलेवी की कटिंग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगली कटिंग अपराजिता, इधर देखिए अपराजिता का मेरा पौधा है, और ये देखिए हमने ये दो कटिंग पहले से लगाया है। ये देखिए ये दोनों कटिंग अच्छा से पकड़ चुकी है। तो इस तरह से आप अपराजिता का कोई भी छोटी सी कटिंग ले करके और इस तरह से इसकी पत्तियों को साफ करिए, और इसका ये 2 इंच का भाग इतना नीचे का हिस्सा अपने किसी गमले में इस तरह से ऐसे लगा दीजिए, ये कटिंग बड़े आराम से पकड़ लेती है। दोस्तों देखिए अगली कटिंग हमें लगाएंगे जेट प्लांट की, इसकी भी एकदम छोटी से 2-3-4 इंच की कटिंग ले लीजिए, और इस तरह से इसके पत्तों को आप इनके पत्तों को भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल से ग्रो होता है, ज़रा सा ज़्यादा पानी के बाद ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आप ये टहनी को ही ग्रो करिए। दोस्तों इस तरह से कटिंग ले लेंगे, और कटिंग ले करके और किसी भी गमले में जहाँ जगह खाली दिखाई दे, क्योंकि इन छोटी छोटी कटिंग के लिए अलग अलग गमले फंसाना अच्छा नहीं है दोस्तों। इसकी हम कई कटिंग लगा चुके हैं, इसलिए केवल एक कटिंग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने लगा दिया, गमले में नमी है कटिंग पकड़ लेगी। दोस्तों देखिए ये स्नेक प्लांट की कटिंग से हमने पौधे तैयार किए हैं, दो पौधे इधर हैं और बाकी पौधे ये देखिए यहाँ पे लगाए हैं। ये देखिए कटिंग आपको लगी दिखाई दे रही है, इसके बगल से पौधा निकला हुआ है, ये कटिंग यहाँ लगाए हैं। तो दोस्तों इसकी कटिंग लगाने के लिए हल्का सा हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। आप इसके कटिंग में कुछ हल्दी पाउडर वगैरह लगा लीजिए, मेरे पास पावर रूटीन हार्मोन भी है। तो ये 4 इंच की कटिंग लेंगे, और दोस्तों हम इसी अपने गमले में ये साइड में लगा देते हैं, इस तरह से खुरपी से जगह बनाएंगे, और हम अपने इस पौधे कटिंग को इसमें 2-3 इंच तक अंदर इस तरह से लगा देंगे। दोस्तों ये डाइफेन बाचिया स्नेक प्लांट की कटिंग उगने में और जड़ बनने में 3-4 महीने का समय लगता है, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप कोई भी कटिंग लगाते हैं तो कटिंग जो काटते हैं, काट के निकालते हैं, तो उसमें आप जो भी कैंची या इस कटर का इस्तेमाल करें तो इसे अच्छी तरह से साबुन से धो दें, इसके बाद इसको सैनिटाइज कर लें, अगर कुछ नहीं है तो डेटॉल लगा दें। दोस्तों अगली कटिंग देखिए डाइफेन बाचिया, इसकी कटिंग को हम स्टेम से उगाते हैं, इसके तने से। ये देखिए 1, 2 और 3 कटिंग हमने यहाँ पे लगाया है। ये देखिए पत्ती नई निकल चुकी है, ये देखिए यहाँ से अंकुरण हो रहा है, और आप देखिए एक पप से यहाँ से निकल रही है और एक पप से ये निकल रही है। तो 4 इंच की स्टेम की कटिंग आप लगा सकते हैं, इसकी कटिंग भी बड़े आराम से लग जाती है। दोस्तों देखिए आप ये नींबू की कटिंग भी बड़े आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए पिछले साल हम ये कटिंग से नींबू का पौधा तैयार किए थे, अच्छे नींबू का प्लांट है, और ये देखिए साल भर में इसमें फल भी आ चुका है, 5-6 फल आए थे लेकिन एक फल बचा है, बाकी फल टूट के हम लोगों ने काम में ले लिया है। तो इस तरह देखिए ये कटिंग दोस्तों नींबू के पौधे से, ये कटिंग 8-10 इंच की कटिंग काट के ले लेंगे, और ये देखिए हमने कटिंग को लगाया है अभी करीब 20-25 दिन पहले, तो ये कोई कटिंग सूखी नहीं है, कटिंग नींबू की भी आराम से पकड़ लेती है। इसमें रूटिंग हारमोन्स लगाना जरूरी है, नींबू बिना रूटिंग हारमोन्स के नहीं पकड़ता है। दोस्तों देखिए रूटिंग हारमोन्स है, बहुत सस्ता 25-30 रुपये में आता है, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, जो भी कटिंग में लगाना हो तो कटिंग को गिरा करके उसका निचला हिस्सा इस रूटिंग हार्मोन्स को लगा लीजिए, इससे जड़ बनने में आसानी रहती है। जैसे नींबू की कटिंग हमने आपको अभी दिखाया तो उसमें लगाना जरूरी है, बाकी में आप हल्दी पाउडर लगा सकते हैं, मधु लगा सकते हैं, शहद लगा सकते हैं, इस तरह से कटिंग लग जाती है। और कुछ कटिंग ऐसी हैं जो कि उनमें रूटिंग हार्मोन्स की जरूरत भी नहीं होती है। ये अगली कटिंग हम लगाएंगे पेडिलंथस, ये हमने 3 कटिंग ले लिया है, करीब 5-5, 6-6 इंच की कटिंग है, नीचे की पत्तियों को साफ कर लिए हैं। दोस्तों देखिए इसमें से सफ़ेद रंग का लिक्विड निकलता है, ये सूख जाए इसके बाद इसको लगाते हैं। तो ये हम इसी अपने डाइफेन बाचिया के गमले में इसको लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से खुरपी से होल बनाएंगे, ये 3 होल बना लिए, और ये अपने तीनों कटिंग्स को सेट कर दीजिए।
तो उसमें कटिंग लगाने के बाद हल्का सा डाल देंगे पानी, जहाँ नमी नहीं है हर जगह हल्की सी नमी मेंटेन करना होगा इस तरह से बस। तो उसमें देखिए हमने पेरिलेंथस की कटिंग लगाया है और आप इसका अपडेट देख सकते हैं, इसकी जड़ भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जड़ बन चुकी है, कटिंग लगाए करीब 2 महीना हो चुका है और इसे हम फिर वापस यहीं लगा देते हैं। दोस्तों देखिए अगली कटिंग हम लगाएंगे कोलियस, ये कोलियस की 2 कटिंग मेरे हाथ में है और मैं इसी गमले में ये कोलियस को लगा देता हूँ। ये देखिए 1 कटिंग लग गई और ये हम दूसरी कटिंग लगा दिए। दोस्तों देखिए ये हमने ये कोलियस की कटिंग लगाया है करीब 15-20 दिन पहले का, सारी कटिंग पकड़ ली है और सब में जड़ बन चुकी है। तो इस तरह से आप कोलियस भी बड़े आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों अगली कटिंग हम लगाएंगे मोरपंख, ये देखिए मोरपंख की हमने 1 कटिंग लिया है और इसको हम इसी गमले में यहाँ पे ये लगा देते हैं क्योंकि हमने कटिंग और भी लगाया है। ये देखिए मोरपंख लगा दिए, ये जड़ बनने में 2-3 महीने का समय लगता है, घबराने से नहीं होगा, हाथ पे दही नहीं जमती है। देखिए मोरपंख का अपडेट है, पिछले साल की हम कटिंग लगाए थे, कितना अच्छा पौधा हो गया है। ये कैक्टस के मेरे 2 प्लांट हैं, नागफनी जिसे बोलते हैं, और ये देखिए कांटा होता है, बहुत संभल के हैंडल करना पड़ता है। ये पहले मेरे पास यह पौधा था, उसकी कटिंग से सब पौधे तैयार किए हैं। ये देखिए इस साल का हमने 1 कटिंग ये लगाया है, ये जिसपे हाथ रखे 1 कटिंग लगाए हैं, यह कटिंग अच्छा से लग चुकी है। दोस्तों देखिए यह साग बनाने का पौधा है, जैसे पालक होती है चौराई होती है, इसका नाम पोए है। इसे आप कटिंग से बड़े आराम से उगा सकते हैं। ये देखिए हमने 1, 2, 3 कटिंग लगाया है, ये 4थी कटिंग है, ये सारी कटिंग पकड़ ली है, अपने रिश्तेदारी से हम लाए थे और ये लता की तरह ऊंचा बढ़ता है और इसके पत्तों का हम भाजी साग बना के खाते हैं, इसमें कैल्शियम और विटामिन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। दोस्तों देखिए ये अजवाइन पत्ता है और ये बहुत सुगंधित होता है, खाने पे पत्ता बहुत पेट के लिए फ़ायदेमंद है, इसको औषधीय पौधा है, लगा करके अपने गार्डन में रखना चाहिए। ये देखिए दोस्तों ने 2 कटिंग लगाया है, दोनों कटिंग अच्छा से पकड़ ली है, इसी गमले में 1 कटिंग हम आपको और लगा के दिखा देते हैं। दोस्तों इस तरह से कटिंग को लगाएंगे और इस तरह से चारों तरफ से इसको मिट्टी से दबा देंगे। दोस्तों जो पहले से कटिंग लगी है इसका अपडेट हम आपको दिखा दें, ये देखिए कटिंग पकड़ ली है, काफ़ी दिन की लगी है, ये जड़ थोड़ी थोड़ी सी ये देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी जड़ बनी हुई है, तो इसे हम इस तरह से फिर वापस लगा देते हैं। दोस्तों इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। दोस्तों हमने शुरुआत में आपको 13 परमानेंट पौधों की कटिंग लगाने के बारे में बताया था कि 13 लगाएंगे, लेकिन कुल 16 पौधों की कटिंग के विषय में हमने आपको जानकारी दिया। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अंत में आपसे निवेदन करते हैं कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।